आइए देखते हैं कि कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी और हावड़ा एक्सप्रेस से टकराई। दरअसल जहां हादसा हुआ था वह स्टेशन चार लाइन वाला स्टेशन, जिससे दो मेन लाइन और दो लूप लाइन गुजरती है। मेन लाइन वह लाइन होता है जिसमें सीधे ट्रेन जाया करती है, इसमें किसी प्रकार का टर्न नहीं होता है, इसमें ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड पर चलती है। जबकि लूप लाइन में ऐसा नहीं होता है, लूप लाइन में किसी एक से ज़्यादा गाड़ियों को रोक करके किसी दूसरी गाड़ी को आगे निकाल दिया जाता है। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन दो लूप लाइन पर दो मालगाड़ियाँ खड़ी थी और दूसरी ओर से कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिल गया था, यानी अब उसे सीधे जाना था। लेकिन कोरोमंडल अचानक मेन लाइन के बजाय लूप लाइन पर जा पहुंची और वहां पर पहले से खड़ी मालगाड़ी में जाकर टक्कर मारी, जिसके बाद कोरोमंडल के कुछ डब्बे दूसरी मेन लाइन पर जा गिरे। अब उधर से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस इसके डब्बों से टकरा गई।